आज जो हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे हैं, इंटरनेशनल हिल पब्लिक स्कूल टंगर के बच्चे, जो कि सभी बच्चे थर्ड क्लास के हैं, जैसे कि मैंने इनसे पूछा, अब मैं इन्हीं बच्चों से आज जो है कन्वर्सेशन करूँगा, कुछ इनका आईक्यू लेवल जो है चेक करूँगा एक एक बच्चे से जो थर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं इंटरनेशनल हिल पब्लिक स्कूल टंगर जोन बटोत के। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट जो बच्चे हैं उनका मैं बच्चे अपना नाम बताइए। माय नेम इज ममता देवी। जीनत बानो। माय नेम इज सैबश बीर। माय नेम इज अनीता देवी। माय नेम इज शिक्षा देवी। माय नेम इज नाजर सिद्दीकी। माय स्कूल नेम इज इंटरनेशनल हिल्स पब्लिक स्कूल टंगर। माय नेम इज रॉय सिंह। आई रीड इन थर्ड क्लास। माय स्कूल नेम इज इंटरनेशनल हिल्स पब्लिक स्कूल टंगर। माय नेम इज दाउकिन चौक। माय नेम इज हसीबुर रहमान। माय नेम इज ताहिर मकसूद। माय नेम इज सिमरन देवी। सबसे पहले मैं इसे कुछ जैसे ये बच्चे इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल टंगर में पढ़ते हैं जो जून टोथ रामपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो इनसे कुछ मैं सवाल पूछूंगा, क्वेश्चंस पूछूंगा, आईक्यू लेवल जो इनका चेक किया जाएगा। तो राइट हैंड में जो मेरी बच्चे साथ बच्ची है नाम नाजिया सेट्टी, टेल मी व्हेन डिड रामबन बिकम डिस्ट्रिक्ट? 2007। इन 2007। राइट आंसर, क्लैपिंग इसके लिए। बहुत अच्छा। तो मेरे साथ जो एक और बच्ची है मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बच्चे मुझे आप बता सकते हैं हु इज द डिप्टी कमिश्नर ऑफ रामबन? रामबन का जो डीसी है कौन है? बसीरुल हक चौधरी। राइट, बसीरुल हक चौधरी। तो क्लैपिंग करिए इसके, इसे भी बिल्कुल बताया। जो उसके बाद मेरे पास एक और बच्ची है, बच्चे आपका नाम क्या है? माय नेम इज अनीता देवी। वेरी गुड। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आई रीडिंग थर्ड क्लास। आप रामबन के रिलेटेड, सबसे पहले मैं बताऊंगी मैं रामबन के रिलेटेड पहले इनको क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर के जीके के रिलेटेड, उसके बाद इंडिया लेवल पे। तो आप अपना नाम बताइए क्या है? वट इज द ओल्ड नेम ऑफ रामबन? रामबन का पुराना नाम क्या था? नाशबंद। राइट आंसर, क्लैपिंग इसके लिए। ये बच्चे हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे जुड़े हैं, तो अभी मैं और इनसे जो है जो क्वेश्चन सेशन है इनसे पूछूंगा। जो मेरे साथ राइट में बच्ची हैं नाजिया, जिन्होंने अपना नाम बताया, तो बच्चे मुझे बता सकते हो जो लॉन्गेस्ट टनल है और जो इंडिया में जम्मू कश्मीर में कौन सा है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लॉन्गेस्ट टनल यानी कि इंडिया में कौन सा है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बिल्कुल। उसका ओल्ड नेम क्या था? मतलब कि उसको चेन्नई नेशनल टनल कहा जाता था, तो उसका अब जो पुराना नाम है, आपने राइट आंसर किया। क्लैपिंग करो इनके लिए। बच्चे व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज ताउकिन चार। ओके, इन व्हिच क्लास डू यू रीड? आई रीड इन द थर्ड क्लास। अच्छा बच्चे, मुझे ये बता सकते हो कि जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें कितनी टोटल, हाउ मेनी तहसील्स आर इन रामबन डिस्ट्रिक्ट? 8 तहसील। राइट आंसर, क्लैपिंग इसके लिए। जो हमने इन बच्चों से रामबन डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे और इसमें उन्होंने जो है आंसर दिए, अब हम जम्मू कश्मीर के रिलेटेड इनसे इनका आईक्यू लेवल चेक करेंगे, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो नन्हे बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे साथ हैं, बच्चे सभी खुश हो ना? सभी खुश हैं? ओके दैट्स गुड। मेरे पास एक बच्चा है जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। बच्चे आपका क्या नाम है? ताहिर मकसूद। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड क्लास। स्कूल का क्या नाम है? इंटरनेशनल। तो बच्चे मुझे बता सकते हैं आपकी हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन जे एंड के? 20। राइट आंसर, क्लैपिंग करो। अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बच्चे मुझे कोई बता सकता है कि जम्मू कश्मीर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है? लेजिस्लेटिव असेंबली जोर के साथ कितनी असेंबली है? टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है? 90। कितनी है? 90। राइट आंसर। और रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, रामबन का एमएलए कौन है बता सकता है कोई भी आपने से? कोई भी कौन है? अर्जुन सिंह राजू जी। राइट आंसर, क्लैपिंग करो। पार्क्स हैं जे एंड के में, बताया ना कितनी नेशनल पार्क्स हैं जे एंड के में? फोर है। राइट आंसर, कौन नाम एक एक वन बाय वन नाम कौन बता, कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं बता जोर के साथ, शाबाश। दच्छीगाम नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, काजीगाम नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट बारामूला, किश्तवाड़ नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, सलीम अली नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। राइट आंसर, क्लैपिंग करो इसके लिए। तो एक और बच्ची मेरे साथ है, बच्चे आपका नाम क्या है? माय नेम इज सिमरन देवी। सिमरन देवी, गुड। बच्चे मुझे बता सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? डॉक्टर करण सिंह। राइट आंसर, क्लैपिंग करो इसके लिए। तो मेरे साथ एक और बच्ची है, बच्चे जो लास्ट सेकंड लास्ट है, बच्चे का नाम क्या आपका? माय नेम इज जीनत बानो। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? थर्ड क्लास। ओके,
मुझे आप बता सकते हैं गेटवे ऑफ कश्मीर जम्मू कश्मीर कहाँ का किसको कहा जाता है? जोर के साथ किसको कहा जाता है? राइट आंसर, क्लैपिंग इसके लिए। मेरे साथ एक और बच्ची है, बच्ची आपका क्या नाम है? My name is ममता देवी। ममता देवी, इन विच क्लास डू यू रीड? आई रीड इन थर्ड क्लास। ओके गुड, यू कैन यू टेल मी हु इज द फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर? महाराजा गुलाब सिंह। महाराज गुलाब सिंह वाज द फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर, राइट आंसर, क्लैपिंग। Who is the last Dogra ruler of Jammu Kashmir? Maharaja Hari Singh. Maharaja Hari Singh. Right answer. Clapping इसके लिए. Recently जो है इसमें holiday थी. आप जानते हैं accession day के बारे में? Accession day क्या होता है और क्या मुझे? Accession day सर ये महाराजा last Dogra ruler महाराजा Hari Singh ने instrument एक document है उस पर sign किया था जम्मू कश्मीर को India के साथ जोड़ा। तो आप बता सकते हैं जो ये कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947। राइट आंसर, बहुत अच्छा, इसके लिए क्लैपिंग करो। जो सेशन है आगे बढ़ रहा है, आप एक कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि बच्चे आप मुझे बताओ कि हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर? गुलाम मोहम्मद साहब वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। अगर मैं बताऊँ करंट चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का कौन है, आप बताओ बच्चे करंट चीफ मिनिस्टर इस टाइम कौन है? शरीफ मुर्दर। राइट आंसर, क्लैपिंग दोनों के लिए। बच्चे आप मुझे बताओ दूसरे चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर कौन है? श्री सुरेंद्र चौधरी। राइट आंसर, जो करंट चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर श्री सुरेंद्र चौधरी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा बच्चे, जम्मू कश्मीर का एजुकेशन मिनिस्टर जो करंट में प्रेजेंट में कौन है, कौन बता सकता है एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? मिस सकीना इतू। राइट आंसर, जोरदार क्लैपिंग इसके लिए। रामबन डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड मैंने क्वेश्चन इनके पूछे और जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो है इनसे क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है आंसर दिए और सभी इनके तकरीबन राइट आंसर थे। अब मैं जो है इंडिया के रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन इनको पूछूंगा, मेरे साथ ये बच्चे हैं इनसे पूछूंगा। बच्चे मुझे बता सकते हो कि बच्चे तौकीर आप मुझे बता सकते हैं कि विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? जोर के साथ, भारत रत्न। राइट आंसर, क्लैपिंग के लिए। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्म विभूषण। राइट आंसर, क्लैपिंग इसके लिए। और जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्म भूषण। राइट आंसर, क्लैपिंग करो। अब मैं शिक्षा से पूछना चाहूंगा, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन इंडियन फ्लैग एंड व्हाट दे ईच रिप्रेजेंट? सो फ्लैग के थ्री कलर होते हैं, पहला होता है सैफ्रन, ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा होता है वाइट, जो पीस एंड ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा होता है ग्रीन, जो फेथ को रिप्रेजेंट करता है। राइट आंसर, क्लैपिंग इसके लिए। बहुत अच्छा। तो बच्चे लास्ट में आप मुझे बता सकते हो कि हु इज द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो डिफेंस मिनिस्टर इस टाइम है इंडिया के वो कौन है? श्री राजनाथ सिंह इज राइट आंसर, क्लैपिंग इसके लिए। सिमरन से पूछना चाहूंगा, सिमरन बच्चे मुझे बताओ कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया? किरण बेदी इज राइट आंसर, क्लैपिंग। बच्चे मुझे बता सकते हो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीएस? इंडियन पुलिस सर्विस। राइट आंसर, जोरदार क्लैपिंग। तो अब मैं जो है साहिबा से पूछना चाहूंगा, बच्चे मुझे बता सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। राइट आंसर। मैं नीता आपसे पूछना चाहूंगा, बच्चे मुझे बता सकते हैं हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप मुझे बता सकते हैं हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर। आप बताओ मुझे हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? श्रीमती इंदिरा गांधी। राइट आंसर। आप मेरे साथ मेंस को पूछना चाहूंगा, नाजिया आप मुझे बता सकते हैं हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राइट आंसर। इसके बाद मैं तौकीर से क्वेश्चन करना चाहूंगा, तौकीर बच्चे मुझे बता सकते हो कि विच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात। राइट आंसर। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में जो ममता है इनसे, बच्चे मुझे बता सकते हो कि विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? राजस्थान इज राइट आंसर। स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? गोवा। अब मैं जो है एक बच्ची और है साहिबा जो है उनसे क्वेश्चन पूछूंगा, बच्चे मुझे बता सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन इन इंडिया?
उत्तर प्रदेश राइट आंसर स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय पॉपुलेशन सिक्किम राइट आंसर व्हिच इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम गैंगटॉक राइट आंसर क्लैपिंग इसके लिए हमारे साथ है काफ़ी खूबसूरत तरीके से आंसर ये बच्चे दे रहे हैं काफ़ी टाइम से यहाँ खड़े हैं तो बच्चे आप मुझे बता सकते हो रोहित की हु वाज महात्मा गांधी वाज द फादर ऑफ आवर नेशन फादर ऑफ आवर नेशन आप बच्चे मुझे बता सकते हो कि जो महात्मा गांधी जी थे उनको गांधी जो महात्मा है किसने कहा था महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को जो है महात्मा का नाम दिया था राइट आंसर क्लैपिंग इसके लिए बच्चे मुझे आप बता सकते हो कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नेट की फुल फॉर्म क्या है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट राइट आंसर नीट की फुल फॉर्म क्या है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट राइट आंसर जोरदार क्लैपिंग इसके लिए बच्चे हैं जीनत मुझे आप बता सकते हो कि व्हिच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू इज राइट आंसर क्वेश्चन ये बताओ कि व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5th ऑफ जून एवरी ईयर राइट आंसर तो अब मेरे साथ ये बच्ची जो नाजिया है इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा बच्चे आप मुझे ये बता सकते हो कि हु इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हु वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज राइट आंसर कौन सा कंट्री है आई मीन दैट व्हिच इज द फर्स्ट कंट्री हु वन द T20 बच्चे व्हाट इज योर नेम माय नेम इज हसीबुर रहमान इन व्हिच क्लास डू यू रीड आई रीड इन थर्ड क्लास बच्चे मुझे बता सकते हो वेयर इज द कैपिटल ऑफ मेघालय शिलांग राइट आंसर क्लैपिंग जो है कुछ क्वेश्चंस शिक्षा से पूछूंगा जो थर्ड क्लास की जो स्टूडेंट है शिक्षा मुझे बता सकते हो व्हिच हु इज द फर्स्ट कंट्री टू बैन ऑन द कैपिटल पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट में सबसे पहले कौन सी कंट्री थी जिसने बैन किया था वेनेजुएला राइट आंसर कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है बता सकते हो आप सजाए मौत राइट आंसर आप मुझे बता सकते हो वेनेजुएला की कैपिटल क्या है राजधानी कहाँ है कैराकास राइट आंसर क्लैपिंग इसके लिए बच्चे वेनेजुएला जो है किस कौन से कॉन्टिनेंट में है साउथ अमेरिका राइट आंसर फिर से क्लैपिंग इसके लिए बहुत अच्छा चलिए फाइनल राउंड है कुछ क्वेश्चन और पूछ लेते हैं क्वेश्चन पूछूंगा सिमरन देवी हमारे साथ है जो थर्ड क्लास की स्टूडेंट है बच्चे मुझे आप बता सकते हैं कि वेयर इज कैपिटल ऑफ चाइना बीजिंग इज द राइट आंसर वेयर इज द कैपिटल ऑफ यूएसए वाशिंगटन डीसी राइट आंसर वेयर इज द कैपिटल ऑफ जापान टोक्यो राइट आंसर क्लैपिंग के लिए रोहित बच्चे मुझे आप बता सकते हैं कि वो कौन सी कंट्री है कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले महिलाओं को यानी कि वुमेन्स को वोटिंग राइट दिया था आई मीन दैट हु इज द फर्स्ट कंट्री टू गिव वोटिंग राइट टू वुमेन न्यूजीलैंड राइट आंसर और आप बता सकते हैं विच इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड विलिंगटन राइट आंसर तो क्लैपिंग करो इसके लिए खूबसूरत तरीके से आंसर दिए हमने तो आज जो है यहाँ बच्चे थे मेरे साथ इंटरनेशनल हिल कॉमी स्कूल टेंगर के जिन्होंने खूबसूरत तरीके से आज जो है जो हमने कन्वर्सेशन इनके साथ की जो इनने आंसर दिए काफ़ी खूब मेहनत की इन बच्चों ने खूबसूरत तरीके से आंसर दिए काफ़ी सेंसिटिव बच्चे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे हैं